तो भाई लोग, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग मूवी के बारे में। कई सारे लोगों के मेरे कमेंट बॉक्स में सवाल आ गए, पूछा कि भाई किंग मूवी के बारे में आप क्यों नहीं बता रहे दोस्तों। तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई किंग मूवी की मैं ऑफिशियल अपडेट के बारे में बताता हूँ, बनावटी मैं न्यूज़ नहीं बताता। कई सारे लोग दोस्तों भाई कमेंट बॉक्स में आते हैं, कहते हैं कि भाई तेरी फेक न्यूज़ है, ये है वो है। दोस्तों भाई साहब वो कुछ भी समझ लें, लेकिन भाई मेरी न्यूज़ में एक तरह का भाई रियलिटी होती है। अगर भाई मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है न्यूज़ के अंदर कि भाई मेरी न्यूज़ में दोस्तों थोड़ा सा डिफेक्ट हो सकता है, तो वाइस मैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ अपने थंबनेल के पीछे। तो वाइस किंग मूवी के बारे में बात करेंगे, तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपने भाई को दोस्तों। तो भाई सबका सवाल ये है कि भाई किंग मूवी की जो रिलीज़ डेट है, यानी कि आप सबको पता है कि भाई पठान जवान 2023 के अंदर आई थी, डंकी भी 2023 के अंदर आई थी। भाई अब शाहरुख खान को साल में 3 फिल्में करनी थी, मतलब साल में 3 फिल्में करनी थी दोस्तों। पठान मूवी 2023 के अंदर आई थी, जवान मूवी 2024 के अंदर आई थी, फिर भाई डंकी मूवी 2025 के अंदर आई थी। जब शाहरुख खान को 3 साल का गैप लेना था, तो इस 3 फिल्में एक साथ रिलीज़ करने की क्या ज़रूरत थी। तो इस किंग मूवी कब का सवाल है कि भाई किंग मूवी इतनी रिलीज़ डेट लेट क्यों हो रही है दोस्तों। इसकी वजह है कि भाई सुहाना खान, दोस्तों आप सबको तो पता है कि भाई सुहाना खान शाहरुख खान की डॉटर है, उनका बॉलीवुड की पहली फिल्म है, और शाहरुख खान चाहते हैं कि भाई जो किंग मूवी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बने दोस्तों। यानी कि किंग मूवी में हमारी तरफ से, किंग मूवी के मेकर की तरफ से, जो डायरेक्टर साहब की तरफ से दोस्तों कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिल्म चलना ना चलना वो तो किस्मत की बात है, लेकिन फिल्म में ज़रा सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। आप सबको याद होगा कि मैंने कई सारी वीडियो में आपको बताया कि भाई किंग मूवी की कई बार स्क्रिप्ट चेंज हो चुकी है दोस्तों। तो गाइस इसकी वजह है सुहाना खान। सुहाना खान का जो करेक्टर होने वाला दोस्तों किंग मूवी में, उसके लिए सुहाना खान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हैं। और दोस्तों शाहरुख खान चाहते हैं कि भाई मेरी लड़की की पहली फिल्म भाई ब्लॉकबस्टर हो, ताकि जो उसकी जो इमेज है, यानी कि दोस्तों जब कोई नया नया आता है भाई, उसकी जो पहली फिल्म फ्लॉप हो जाए तो भाई अगली फिल्म उसको मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पहली फिल्म होना, हिट होना लाजमी है दोस्तों। इस तरह की भाई मेहनत चल रही है स्क्रिप्ट को लेकर, किंग मूवी के स्क्रिप्ट को लेकर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है। बार बार उसको लिख रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पर बार बार उसको चेंज कर रहे हैं। यानी कि भाई किंग मूवी में बिल्कुल भी भाई यहाँ पर स्क्रिप्ट में कोई लोचा नहीं हो सकता, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ी यह बात यह है कि भाई किंग मूवी के जो डायलॉग लिखे जा रहे हैं, वो ऐसे डायलॉग लिखे जाएंगे जो कि आपको सालों साल याद रहेंगे। आपको याद होगा पठान मूवी में कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। दोस्तों कितना तगड़ा दोस्तों यहाँ पर डायलॉग लिखे गए थे, जो कि भाई जिनका नाम था अब्बास टायर वाला, इन्होंने दोस्तों भाई पठान मूवी में एक और डायलॉग लिखा था कि भाई दोस्तों भाई एक और डायलॉग है भाई कि पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा ही और साथ में पटाखे भी लाएगा दोस्तों। ये अब्बास टायर वाले ने दोस्तों भाई डायलॉग लिखे थे जो कि भाई यहाँ पर काफ़ी बढ़िया थे, और शाहरुख खान ने एक बार फिर से इनको मौका दिया है कि भाई किंग मूवी के डायलॉग लिखो। तो कहने का मतलब है कि भाई किंग मूवी के डायलॉग को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत करी जा रही है। आपको याद होगा कि भाई सनी देओल की जो पिछली फिल्म आ रही थी, भाई डायलॉग के नाम पे भाई फिल्में लोग देखने चले जाते थे भाई, मतलब भाई कहते हैं कि भाई इसके अंदर भाई सनी देओल भाई डायलॉग मारता, और सनी देओल का डायलॉग मारने का अंदाज ही दोस्तों अलग था, क्योंकि भाई हर किसी के दिल के अंदर भाई वो डायलॉग उतर जाता था। तो कहने का मतलब है कि भाई किंग मूवी के डायलॉग पर बहुत ही ज़्यादा काम करी, यानी कि भाई किंग मूवी में बहुत सारे डायलॉग होने वाले हैं, और ऐसे डायलॉग होंगे जो कि सब के सब दोस्तों भाई फिल्म को हाइप बनाने में मदद करेंगे, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहां पर देखा जाए तो। तो इस किंग मूवी के डायरेक्टर को लेकर कई सारे लोगों का सवाल था कि भाई किंग मूवी का डायरेक्टर दोस्तों कौन है। दोस्तों भाई अब दो डायरेक्टर में लोग कन्फ्यूज हैं, सुजय घोष और सिद्धांत आनंद। दोस्तों किंग मूवी के दो डायरेक्टर किंग मूवी को बनाएंगे, एक तो डायरेक्टर दोस्तों फिल्म को शूट करेगा, दूसरा डायरेक्टर होगा जो कि सिद्धांत आनंद। दोस्तों वो फिल्म के एक्शन सीक्वेंस पर काम करेंगे दोस्तों, यानी कि भाई शूट तो भाई सुजय घोष ही करेंगे, लेकिन जब एक्शन सीक्वेंस होंगे, फाइट सीन होंगे, जो उसको सेट बनाना होगा, उसे डिज़ाइन बनाना होगा, उसको शूट करना होगा दोस्तों, वो सिद्धार्थ आनंद करेंगे, इस तरह की बातें बताई जा रही है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। तो गाइस एक मतलब जो अब्बास टायर है, उन्होंने जो डायलॉग लिखे गए हैं वो कई सारे ड्राफ्ट में लिखे गए हैं, तकरीबन दोस्तों भाई 4-5 ड्राफ्ट लिखे हैं, लेकिन भाई दोस्तों मीडिया रिपोर्ट की मान तो भाई शाहरुख खान ने एक ड्राफ्ट को सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों। यानी कि भाई किंग मूवी के जो डायलॉग हैं, कुछ डायलॉग दोस्तों शाहरुख खान ने सिलेक्ट कर लिए हैं कि भाई हम इस डायलॉग को यहाँ पर अपनी फिल्म में यूज़ करेंगे, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। अब सवाल यह है कि भाई किंग मूवी
3 साल बाद आएगी, यानी कि भाई 2023 के अंदर पठान जवान आई थी, पठान 23, 24, 25, यानी कि भाई 3 साल यहाँ पर भाई जाएंगे। उसके बाद 3 साल बाद दोस्तों किंग मूवी आएगी। अब सवाल ये है कि भाई किंग मूवी अगर भाई लूज़ रह गई तो भाई 3 साल का क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों ये मेरा सवाल नहीं है, ये कई लोगों का सवाल है। दोस्तों ये सवाल भी दोस्तों बिल्कुल सही है कि अगर भाई 3 साल बाद किंग मूवी आ रही है, अगर भाई लूज रह गई, यानी कि भाई पठान जवान डंकी स्त्री 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, दोस्तों फिर 3 साल गैप लेने का क्या फ़ायदा दोस्तों? तो भाई ये सवाल है, इसका जवाब तो भाई मेरे पास नहीं है। तो भाई वो तो किंग मूवी के बाद आने के बाद ही पता चलेगा। भाई अच्छी अच्छी फिल्में भाई फ्लॉप हो जाती हैं, अच्छी अच्छी फिल्में भाई एवरेज हो जाती हैं। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं कि भाई आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए चैनल सपोर्ट करें। भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो